Well, this is the Mark II version of Ultraviolet F77। अब डिज़ाइन में देखने में बेशक ये पुरानी F77 जैसी लग रही होगी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कुछ टेक्नोलॉजी, फीचर्स एंड ऑल्सो प्राइस और रेंज को लेकर भी कुछ डिफरेंस अब इस नए Mark II वर्जन में Ultraviolet F77 के ऑफर कर रही है। तो क्या चेंजेस हुए हैं, फीचर्स में क्या तब्दीलियां हुई हैं, क्या प्राइस अब इस नए Mark II वर्जन का Ultraviolet ने रखा है, बात करने वाला हूं उन सभी के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा और बात करते हैं Ultraviolet के F77 Mark II वर्जन की। अब डिजाइन में हालांकि कोई तब्दीली नहीं हुई है, फ्रंट, साइड, रियर सब कुछ पहले जैसा ही है। LED हेडलैम्प्स हैं, वही अग्रेसिव स्टाइलिंग, डिज़ाइनिंग, फुली फेड बाइक वाला। एंड जो Ultraviolet एक चीज़ क्लेम करती है, कहीं भी आपको इसके एक्सटीरियर में बोल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, तो वो एक चीज़ फिट एंड फिनिश को लेकर अभी भी काफ़ी सॉर्टेड इस F77 के Mark II वर्जन में फील होती है। यहाँ पे अपसाइड डाउन फोक्स दिए गए हैं, व्हील का साइज सब कुछ सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है, अलॉय व्हील्स वगैरह वो सब भी सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है। ड्यूल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी या कहीं की सेफ्टी टेक थोड़े एडिशंस इस Mark II वर्जन में Ultraviolet ने किए हैं इस F77 के। अब चेंजेस इन टर्म्स ऑफ फीचर्स जो हैं, जो एडिशन यहाँ देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे जो इसका डिस्प्ले है वो सब सेम है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे कलर डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। अंदर जाएंगे मेन्यू में तो यहाँ पे आपको एक कंट्रोल्स में एंटर करूँगा मैं, तो इसमें आपको परफॉर्मेंस मोड का ऑप्शन होगा जिसमें आपको ड्यूल चैनल ABS का ऑप्शन मिलता है। देन रीजन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको 10 लेवल का रीजन मिलता है, यानी 10 सेटिंग्स मिलती हैं रीजन के लिए जो आप सेट करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन यहाँ पर अब नया इसमें देखने को मिलता है इस F77 के अंदर। इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल का भी ऑप्शन अब दिया गया है, इसके भी आपको 3 लेवल मिलते हैं, T1, T2, T3। तो ये कुछ ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल भी इस F77 की Mark II वर्जन में Ultraviolet ऑफर कर रही है। अब इसके अलावा एक और जो एडिशन इन टर्म्स ऑफ फीचर हुआ है, सेफ्टी फीचर, वो है DSC यानी कि डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल को लेकर। अब ड्यूल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑलरेडी है, लेकिन उन दोनों को कंबाइन करके जब रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर वो DSC एक्टिव होगा। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ फीचर या कहें कि एडिशन इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फीचर इस F77 के Mark II वर्जन में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करें जो इसमें वेरिएंट्स ऑफर करे जा रहे हैं, 2 वेरिएंट्स का ऑप्शन रहने वाला है। एक तो है इसका रिकॉन वेरिएंट Mark II का, और इसमें एक जो है ओरिजिनल वेरिएंट का ऑप्शन रहेगा। वहाँ पर 9 कलर्स का ऑप्शन रहने वाला है, जिनको 3 कैटेगरी में या 3 वेरिएंट्स में कहें कि डिवाइड करा गया है, एयर स्ट्राइक, लेज़र और शैडो। तो वहाँ पर अलग अलग कलर के ऑप्शन रखे गए हैं। अब चेंज जो हुआ है थोड़ा बहुत पावर को लेके भी हुआ है, टॉर्क को लेके भी हुआ है। तकरीबन 2 bhp के आसपास पावर इसका इंक्रीज़ हुआ है एंड अराउंड 5 Nm के आसपास इसका टॉर्क इंक्रीज़ हुआ है। हालांकि बैटरी पैक का जो साइज़ है वहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है। फिर इसके अलावा 10.5 kWh का भी बैटरी पैक दिया जाएगा, जिसमें आपको 323 किलोमीटर का IDC रेंज ऑफर करा जा रहा है। अब रेंज में भी कुछ हद तक बढ़ोतरी हुई है, तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के आसपास अगर कहें जो रिकॉन वाला वेरिएंट है उसमें बढ़ोतरी हुई है, और जो ओरिजिनल वाला वेरिएंट है वहाँ भी 5 से 7 किलोमीटर के आसपास रेंज में बढ़ोतरी हुई है, अगर IDC रेंज की अगर बात करें तो। अब प्राइस की बात आती है तो प्राइस जो इसका बेस वेरिएंट है, ओरिजिनल वाला वेरिएंट है, उसका प्राइस स्टार्टिंग प्राइस रखा गया है, अभी फिलहाल इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा गया है, वो है 2,99,000 एक्स शोरूम उसका प्राइस रखा गया है। एंड जो इसका रिकॉन वेरिएंट है यानी कि टॉप वेरिएंट है, इसकी रेंज 323 किलोमीटर है, उसका प्राइस 4,00,000 एक्स शोरूम उसका रखा गया है। तो ये चीज़ें इन टर्म्स ऑफ रेंज, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ प्राइस इस Ultraviolet के F77 में ऑफर कर रही है Ultraviolet। डिज़ाइन में कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ एडिशंस फीचर्स को लेकर, रेंज को लेकर, प्राइस में चेंज हुआ है। और ऑल्सो एक चेंज जो हुआ है वो इसकी वारंटी को लेकर भी हुआ है। 8,00,000 किलोमीटर की वारंटी अब Ultraviolet इस F77 के नए Mark II वर्जन के साथ दे रही है। पुराने वाला जो F77 का वर्जन है वो डिसकंटिन्यू होगा, और अब ये नया Mark II का वर्जन ही Ultraviolet बेचने जा रही है। अब जो टॉप स्पीड Ultraviolet इसके रिकॉन वर्जन का क्लेम कर रही है, Mark II जो नया वर्जन आया है, इसमें 0 to 60 टच करती है 2.8 सेकेंड्स में, और टॉप स्पीड है इसकी 155 किलोमीटर पर आर की। एंड ऑल्सो कुछ और भी फीचर्स इसमें ऐड करे गए हैं, जैसे कि एंटी कोलिजन वार्निंग सिस्टम इसमें ऐड करा गया, यानी कि इसमें जो है रीजन मोड जो दिए गए हैं, अगर आप अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो इसके इंडिकेटर्स और इसकी जो रियर लाइट है वो थोड़ी सी फ्लैश होगी 2 बार, तो वो भी इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, ताकि पीछे से कोई आ रहा है तो उसको अंदाज़ा हो जाए कि आप अचानक से ब्रेक लगा रहे हैं या बाइक ब्रेक लगा रही है, तो वहाँ पर वो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फीचर इसमें दिया गया है, जिसको Ultraviolet एंटी कोलिजन वार्निंग सिस्टम कह रही है। इसके अलावा फॉल एंड टोइंग अलर्ट्स, ये सब ऑप्शन भी यहाँ पर इस Ultraviolet के नए Mark II वर्जन के साथ देखने को मिल रहे हैं। एंड ऑल्सो एक और जो फाइनल चेंज बताना भूल गया वो है इसके ये फ्लैप को लेकर जहाँ पर इसका चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, अब जो है ये एल्यूमिनियम में दिया गया है। पहले प्लास्टिक में आता था, कुछ कस्टमर्स को शिकायत थी, पहले थोड़ा सा ये फ्लिम्जी लगता था, लेकिन अब थोड़ा सा सॉलिड फील इसको यहाँ पर देखने के बाद ज़रूर आ रही है। तो ये कुछ बदलाव तब्दीलियाँ इस अल्ट्रावॉयलेट के F77 के Mark 2 वर्जन में करी गई हैं। कुछ नए एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स ऐड करे गए हैं, रेंज इसकी बड़ी है और कुछ ये कीमत अब आपको इस F77 के Mark 2 वर्जन की ये देखने को मिल रही है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस न्यू अल्ट्रावॉयलेट F77 Mark 2 वर्जन? डिज़ाइन के बारे में, फीचर्स जो ऐड करे गए हैं उसके बारे में टेल अस इन कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा, बाइक कैसे लगी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।